हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं हॉल्टर नेक ड्रेस कटिंग करके दिखाने वाली हूँ, तो वीडियो का एंड तक जरूर देखना। चलिए उसको किस तरह से कटिंग करना है ये देखिए। ये ड्रेस मटेरियल है और इसके साथ मैं अस्तर भी लगा रही हूँ। देखें तो पहला तो ये इसके ऊपर दिखेगा नहीं, इसलिए मैं अस्तर का ऊपर पहला कटिंग करके आपको दिखा रही हूँ। देखिए ये साइड में बंद है, ये साइड में ओपन है। हमेशा ध्यान रखना है, अपना तरफ बंद रखना है जब भी ड्रेस मटेरियल कटिंग करना है। तो इस तरफ बंद होना चाहिए और इस तरफ ओपन होना चाहिए। तो देखिए हॉल्टर नेक ब्लाउज ड्रेस के लिए किस तरह से मैं कटिंग कर रही हूँ। पहला देखिए ऊपर का तरफ 3.5 इंच, ऊपर का तरफ 3.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। मतलब जो ये है हॉल्टर नेक है उसके लिए 3.5 इंच ऊपर का तरफ एक्स्ट्रा लेना है। और कपड़ा थोड़ा सा क्रॉस है, इसको सीधा करके लेना है। अभी देखिए ऊपर का तरफ 3.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। फिर इसके बाद देखिए यहाँ से ड्रेस का जितना लंबाई है उतना ले लेना है। देखिए यहाँ से ड्रेस का लंबाई लेना है, जितना आपको चाहिए उतना ले लीजिए, लेकिन जितना ड्रेस से 2 इंच कम ले लीजिए अस्तर के लिए। फिर नीचे लाइन को ड्रॉ करके लेना है। देखिए लेने के बाद अभी देखिए ये शोल्डर का लाइन है, इस तरह से ड्रॉ करके लेना है। ये बंद गला का रहती है, शोल्डर जितना है उसका आधा करना है, पूरा जितना शोल्डर है उसका आधा करना है। देखिए शोल्डर 15 है तो उसका मैं आधा ले रही हूँ, 7.5 इंच। आपका जितना शोल्डर है उसका आधा ले लीजिए। ये मैं फ्रंट का कटिंग कर रही हूँ, आगे बाद में बैक साइड का कटिंग कर दूंगी। फिर देखिए ए लाइन को, ये आर्म होल का लाइन है, इसको सीधा इस तरह से लेके जाना है। अभी देखिए जितना मैंने शोल्डर लिया उतना ही मैं आर्म होल के लिए ले रही हूँ, 7.5 इंच। नीचे भी मैं 7.5 इंच ले रही हूँ। जितना आपको शोल्डर लेना है उतना ही ज़्यादा आप आर्म होल इस तरह से ले लीजिए, ये बराबर आ जाएगी। फिर ये चेस्ट का लाइन है, ड्रॉ करके लेना है। देखिए इस तरीके से ड्रॉ करने के बाद अभी देखिए कितना चेस्ट है उसको चौथा भाग करना है। जैसे कि ये 34 है तो उसका चौथा भाग करने से 8.5 आ रही है, 34 का चौथा भाग करना है। देखिए उसको कितना आ रहा है, 8.5 है। आपका जितना चेस्ट है उसको 4 से डिवाइड कीजिए। 4 से डिवाइड करने के बाद देखिए कितना आ रहा है, 8.5 आ रहा है। और 2 इंच सिलाई मार्जिन के लिए ले लेना है। देखिए 2 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया। अभी देखिए कमर ऊंची कितना है, कमर ऊंची मैं 14 रख रही हूँ। अगर ज़्यादा हाइट है तो 15 ले लीजिए, अगर मीडियम रहेगा तो 5.5 5.3 अगर रहेगा तो आप 14 इंच ले लीजिए, आ जाएगी बराबर। और देखिए सीट घर में सीट ऊंची कितना ले रही हूँ, देखिए 20 पे मैं निशाना कर रही हूँ, 21 भी आप ले सकते हो। आपको अगर नीचे चाहिए काट तो 21 भी ले सकते हो, मैं 20 पे ले रही हूँ। फिर ये लाइन को इस तरह से ड्रॉ करके लेना है, इसको भी ड्रॉ कर देना है। अभी देखिए जो कमर घेर है वो 33 है तो उसको भी 4 से डिवाइड करना है। 4 से डिवाइड करने के बाद कितना आ रहा है, देखिए 8.25 आ रहा है, 33 है, 8.25 इंच पे आपका जितना कमर घेर है उसको 4 से डिवाइड कीजिए। 4 से डिवाइड करने के बाद एक्स्ट्रा 2 इंच ले लीजिए। देखिए मैं एक्स्ट्रा 2 इंच ले लिया। अभी देखिए सीट घेर कितना है, सीट घेर 40 है, उसको भी 4 से डिवाइड कर देना है। 4 से डिवाइड करने के बाद यहाँ 1.5 इंच ही लेना है, क्योंकि यहाँ पर काट होने वाला है इसलिए ज़्यादा एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं लेना है, 1.5 इंच लेने से बराबर आ जाएगी। तो यहाँ से देखिए 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया। अभी ये तीनों लाइन को ज्वाइंट करके लेना है। और एक बात है, जो आपका फुल बास्ट रहती है फुल बास्ट पॉइंट वो कितना है मैक्सिमम, यहाँ से देखिए 11 इंच या 10.5 इंच पे यहाँ से ले सकते हो। देखिए यहाँ 10.5 इंच ले लिया मैंने। फिर ये लाइन को भी सीधा करके लेना है इस तरीके से। फिर ये लाइन को यहाँ से भी इतना ही लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है, इतना कितना 10.5 है यहाँ से भी 10.5 ले लेना है। फिर ये लाइन को इस तरह से ज्वाइंट कर देना है। देखिए मैं दिखाती हूँ यहाँ से कितना लिया, यहाँ से देखिए 3 इंच लिया, यहाँ से 3 इंच लेना है। मतलब आप 3.5 इंच भी ले सकते हो, जिसका हाइट ज़्यादा है उसके लिए 3.5 इंच है, नॉर्मल हाइट के लिए यहाँ से 3 इंच लिया तो ये बराबर आ जाएगी लाइन।
ए लाइन को ए लाइन से जोड़ देना है और ए लाइन को ए लाइन से जोड़ के लेना है। देखिए इस तरीके से। और एक बात मैं बताती हूँ, जिसका कमर बहुत ही कम है उसके लिए देखिए कभी कभी वो ड्रेस डालने में बहुत ही प्रॉब्लम हो जाता है क्योंकि ज़्यादा यहाँ फिटिंग करने से, इसलिए उनके लिए टक्स लगाना है। मैं बाद में इसका एक वीडियो बनाऊंगी जो फिटिंग के लिए क्या करना है। अगर नॉर्मल है तो इस तरीके से मेजरमेंट ले लीजिए, लेकिन आपका जितना चेस्ट है वो हिसाब से ले लीजिए। फिर ये लाइन को सीधा नीचे तक लेके जाना है। अभी देखिए यहाँ से मैं कितना ले रही हूँ, यहाँ से देखिए थ्री गले के लिए कितना ले रही हूँ, 3 इंच लिया। और देखिए ऊपर का जो स्टैंड है वो जो कलर के लिए है, देखिए यहाँ से 1.5 इंच ले रही हूँ मैं, ये गले के लिए है आगे का और ये कल ये के लिए है। इस तरह से ऊपर उठाना है और देखिए यहाँ से 0.25 इंच डाउन कर देना है। इसको इस तरह से मिला देना है लाइन को, देखिए इस तरह से। इस तरह से 3.5 इंच क्यों लिया, क्योंकि सिलाई होने के बाद 6 इंच चाहिए, 1/2 इंच सिलाई मार्जिन के लिए चाहिए, वो जो कलर बनने वाली है उसके लिए चाहिए। अभी देखिए ये आगे का डिज़ाइन आपको कौन किस तरह से चाहिए, उसका बहुत सारा डिज़ाइन है, आप अलग अलग डिज़ाइन इसमें कर सकती हो, लोटा या बादाम बहुत टाइप का राउंड भी आप रख सकते हो। तो देखिए मैं यहाँ से 6.5 इंच ले रही हूँ आगे का जो गला है उसके लिए। फिर यहाँ से देखिए मैं 3 इंच ले रही हूँ, फिर इसको मैं शेप दे रही हूँ। देखिए थोड़ा सा मैं इस तरह से रखी हूँ, आप चाहे तो अलग टाइप का डिज़ाइन भी आप कर सकती हो आगे का जो गला है उसके लिए। तो ये पूरा हो गई, मैं नहीं सॉरी, यहाँ से देखिए आर्म होल का शेप देना है, यहाँ से 0.25 इंच, ये फ्रंट का है इसलिए यहाँ से 0.25 इंच अंदर का तरफ आना है। ए लाइन को पहला इस तरह से देखिए 0.25 इंच अंदर का तरफ आना है, फिर ये लाइन को देखिए इस तरह से ड्रॉ करके लेना है। लेने के बाद अभी देखिए इसको इस तरीके से थोड़ा सा डाउन करके उसको देना है। अभी उसको कटिंग करके लेती हूँ। ये फ्रंट का जो पार्ट है वो हो गया है पूरा ड्रॉ, ये उसका देखिए मैं इस तरीके जिस तरह से मैं ड्रॉ किया था उस तरीके से मैं उसको कटिंग करके लिया। अभी बैक साइड का मैं कटिंग करके दिखाती हूँ। देखिए अपने तरफ ए साइड भी बंद होना चाहिए, वो साइड ओपन होना चाहिए। अभी देखिए बैक साइड का ऊपर का तरफ बंद गला है इसलिए हमेशा 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है, बंद रहेगा तो हमेशा 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। ये थोड़ा सा क्रॉस लग रही, इसको पहला काट करके लेना है। देखिए 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है बंद गले के लिए। यहाँ से देखिए ये लाइन को इस तरह से ड्रॉ करके लेना है। देखिए अभी यहाँ से देखिए जितना ऊंची है मतलब जितना लंबा है उतना ले लीजिए। देखिए मेरा जितना लंबाई है वो मैंने कितना लिया, 36 है, उसका लंबाई मैंने 36 ले लिया। आपका जितना लंबा है उतना ले लीजिए, जितना लंबा है उससे 2 इंच एक्स्ट्रा ले लीजिए। जब भी कटिंग करना है आपको जितना लंबा है उससे 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। अभी देखिए मैंने शोल्डर कितना लिया था, 7.5 इंच। देखिए नीचे से भी मैंने 7.5 इंच लिया था, जितना शोल्डर लिया उतना आर्म होल ही ले लिया, 7.5। अभी देखिए ये चेस्ट का लाइन है, यहाँ से कितना 8.5 लिया था और 2 इंच सिलाई मार्जिन लिया था। कमर के लिए देखिए 14 इंच और सीट घेर के लिए देखिए 20 लिया। ये जो मेजरमेंट है नीचे का उसी तरह का ही है, खाली ऊपर का जो शोल्डर है उसमें थोड़ा सा चाहिए है, बाकी सब एक जैसा ही है, एक साथ काट सकती हूँ लेकिन थोड़ा सा ऊपर का शोल्डर और ये अलग है इसलिए एक साथ नहीं कटिंग किया। अभी यहाँ से देखिए कितना लिया मैंने, 10.5 लिया। ये जो कटोरी का शेप
मतलब इसको तानना या खींचना बराबर आ जाएगी, इसलिए ये वाला मेजरमेंट लिया। कभी कभी वो जो ये फुल बास्ट है वो मतलब फिटिंग हो जाती है ज़्यादा, इसलिए ये मेजरमेंट लेना पड़ता है। देखिए यहाँ से कितना 10.5 है, तो यहाँ से भी 10.5 ही रखना है। कमर 33 था, 33 था उसका 8.25, और 2 इंच देखिए एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन है, और सीट गेयर था 40, और 1.5 इंच यहाँ से एक्स्ट्रा ले रही हूँ कट के लिए। देखिए यहाँ से 1.5 इंच लिया था। ये तीनों चारों लाइन को जॉइंट कर देना है इस तरीके से। देखिए इसको तो सीधा ही आ रही है। ये वाला मेजरमेंट फुल बस्ट के हिसाब से लेना होती है, किसी किसी फुल बस्ट बहुत ही हैवी होती है तो थोड़ा सा इस तरह से भी जाती है ये लाइन। फिर एक लाइन को नीचे का लाइन भी ड्रॉ करके लेना है, साइड में जो लाइन है इसको भी इस तरीके से ड्रॉ करके लेना है। अभी देखिए मैं ये जो फ्रंट है यहाँ से देखिए मैं टोटल 3 इंच लिया था, 1.5 इंच गले के लिए लिया था और 1.5 इंच ये पट्टी के लिए, देखिए ये शोल्डर पट ये के लिए कॉलर के लिए, देखिए इस तरीके से। तो यहाँ से भी कितना लेना है 3 इंच। देखिए ये लाइन को मैं सीधा ऊपर का तरफ इस तरह से उठा दे रही हूँ। अभी देखिए इसको भी डाउन करना है, तो यहाँ से 1.25 इंच डाउन कर देना है। देखिए 1.25 इंच डाउन कर देना है, ये लाइन को ये लाइन से जोड़ देना है। देखिए बैक साइड में हमेशा 1 इंच बंद रहेगा, तो 1 इंच ज़्यादा लेना पड़ता है चाहे ब्लाउज हो या ड्रेस हो, नहीं तो जो ये है बनने के बाद वो आगे झुक जाती है, मतलब पीछे का तरफ खींचती रहती है, इसलिए हमेशा 1 इंच ज़्यादा लेना है। अभी देखिए बैक साइड का जो गला है उसका मैंने 1 इंच पे उसको शेप दे रही हूँ इस तरीके से। ये फैल गई, ये वाला है। अभी देखिए ये फ्रंट जो आर्म होल है उसका मैं शेप दे रही हूँ, यहाँ से देखिए 1.25 इंच इस तरफ मतलब ले रही हूँ मैं 1.25 इंच, देखिए इस तरह से। फिर ये लाइन को इस तरह से ले लेना है। फिर इसको देखिए देखिए ये 1 इंच पर हो गई, यहाँ से देखिए 1.25 इंच ही है, मैं पहला का निशाना ये कर दिया था, यहाँ से देखिए 1.25 यहाँ से 1.25 इंच लेना है। फिर इसको इस तरह से उसको शेप देना है, देखिए इस तरह से थोड़ा सा डाउन करके उसको शेप दे देना है। देखिए ये वाला है, ये नहीं है, देखिए ये वाला है, और ये जो लाइन है ये वाला है, ये नहीं है, ये जो चेस्ट का लाइन है ये है, लेकिन ये यहाँ से 1.25 इंच लेना है और इस तरह से शेप दे देना है। अभी देखिए इसका हो गया, तो इसको कटिंग करके लेती हूँ और फिर दिखाती हूँ मैं कपड़ा कपड़ों कटिंग करके। अभी इस तरीके से देखिए दोनों कटिंग हो गई, बैक साइड और फ्रंट इस तरीके से दोनों कटिंग हो गई। अभी देखिए ये जो फ्रंट है इसका शेप अनुजाई ऐसा ही और एक इस तरीके से काट के लेना है, जो शोल्डर मतलब ये गला है इसके साथ ही कटिंग करके लेना है। तो किस तरीके से इसको कटिंग करना है मैं दिखा रही हूँ, मतलब ए साइड में बंद होना चाहिए, लेकिन फिलहाल इतना ही है कपड़ा, इसके लिए मैं ए साइड में बाद में उसको सिलाई लगा के लूँगी। देखिए पहला तो देखिए इस तरह से बंद होना चाहिए इस साइड, इसको इसका ऊपर इस तरीके से रखना है। मैं 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेके इसको कटिंग कर रही हूँ, दिखा रही हूँ। अभी देखिए इसका ऊपर इस तरीके से रखना है, इसको रखने के बाद उसको ड्रॉ करके लेना है। देखिए इस तरीके से उसको ड्रॉ करके लेना है गला पुट्टी के लिए। देखिए गला पुट्टी और ये जो ये है कॉलर है इसका भी एक ही साथ में मतलब हो जाएगी। देखिए इस तरीके से उसको लेना है। इस तरीके से उसको ड्रॉ करके लेना है, फिर ये निकाल देना है। देखिए अभी इसको ऊपर से आपको अगर इस तरीके से नहीं हो रहा है तो आप देखिए इस तरीके से लेना है। यहाँ से देखिए कितना हो रहा है 2 इंच से, देखिए यहाँ से 1.5 इंच से 1.5 इंच है, इस तरीके से पूरा 1.5 इंच इस तरीके से घुमा के लेना है। देखिए इस तरह से लेके इस तरह से घुमा के पूरा, देखिए देखिए ये पूरा 1.5 इंच का है। फिर उसको इस तरीके से उसको कटिंग करके लेना है। देखिए गला का जैसा होना चाहिए मैं इस तरीके से उसको कटिंग कर लिया, इस तरीके से कटिंग करके लेना है, हमेशा ध्यान में रखना है। और स्लीव्स मैं कटिंग करके आपको दिखाती हूँ, पहला इसको कटिंग करके लेती हूँ फैब्रिक ड्रेस मटेरियल के ऊपर।
अभी देखिए स्लिप्स कटिंग करना है, स्लिप्स को मैं अस्तर नहीं लगा रही हूँ। तो देखिए ये बैक साइड है और ये आर्म होल है, आर्म होल से मैं मेजरमेंट ले रही हूँ। देखिए टेप को इस तरह से क्रॉस लेना है, कितना आ रहा है देखिए, 9.25 आ रही है। देखिए हाफ इंच एक्स्ट्रा लेना है, इससे ज़्यादा मतलब हाफ इंच एक्स्ट्रा, 9.25 आ रही है, मैं दिखाती हूँ। अभी देखिए स्लिप्स का जितना लंबाई है उससे 1.5 इंच ज़्यादा ले लेना है, जितना लंबा है उससे ज़्यादा ले लेना है। मैं 3/4 स्लिप्स बना रही हूँ इसके लिए और 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ मैं। देखिए 15 है स्लिप्स का लंबाई और 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ मैं, 16.5 पे निशाना कर रही हूँ। 16.5 इंच पे मैं उसको ड्रॉ किया, फिर ये लाइन को इस तरह से ड्रॉ करके लेना है। अभी देखिए बैक साइड से जो मैंने मेजरमेंट लिया, देखिए यहाँ से मैंने कितना लिया, 9.25 हो रही है, तो मैं 1/2 इंच ज़्यादा लेने वाली, 9.25 पे 9.25 रहेगा, 1/2 इंच एक्स्ट्रा करेगा तो 9.25 हो रही है। देखिए यहाँ से 9.25 इंच पे ड्रॉ किया। बंद गला के लिए हमेशा 1/2 इंच ज़्यादा लेना है, डिप गला मतलब आगे पीछे गले के लिए 1 इंच ज़्यादा लेना पड़ता है, लेकिन बंद गले के लिए यहाँ से देखिए जितना मेजरमेंट मैंने लिया वहाँ से 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। देखिए इस तरह से लेने से बराबर आ जाएगी। देखिए यहाँ से मैं 9.25 इंच लिया, 1/2 इंच ज़्यादा लिया, इस तरह कितना डाउन कर रही हूँ मैं, 4.5 इंच पे मैं डाउन कर रही हूँ। देखिए डाउन करने के बाद ए लाइन को ए लाइन से जोड़ देना है इस तरीके से, यहाँ से 2.5 इंच आगे का तरफ आना है। देखिए इस तरीके से आप चाहे तो स्लिप्स में अस्तर भी आप लगा सकते हो, मैंने नहीं लगा रही हूँ। फिर इसको इस तरीके से शेप दे देना है। ये फ्रंट के लिए मैं कटिंग करके आपको दिखाती हूँ, ये वाला फ्रंट के लिए है। अभी मोहरी आपको मतलब दंड मोहरी जितना रखने का आपका हिसाब से आप रख दीजिए। मैं देखिए फिर ये लाइन को ये लाइन से जोड़ देना है इस तरीके से। अभी इसको कटिंग करके लेना है और आपको हमेशा ध्यान रखना है आपका तरफ बंद होना चाहिए, इस तरफ बंद होना चाहिए, इस तरह ओपन होना चाहिए। देखिए मैंने दोनों शेप दे दिया और यहाँ थोड़ा कट लगा के लिया। देखिए इसका कटिंग पूरा हो गई और इसको अगर स्टिचिंग आपको देखना है तो पार्ट 2 में आपको मिल जाएगी। वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।